नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी ऐप चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो ग्रो एप्लीकेशन के बारे में है। आप सभी को पता है कि ग्रो की एप्लीकेशन पर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है एक इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बैंक की बात करते हैं, हमारे जो बैंक्स होते हैं ना, यहाँ पर जैसे हमारे दो बैंक अवेलेबल हैं, तो अगर मैं एक बैंक को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट नहीं होता है। ये कुछ अलग ही चीज़ बताई जाती है यहाँ पर कि कैन नॉट डिलीट अ डिफॉल्ट बैंक। तो डिलीट कैसे करना है अकाउंट को, ये मेन वीडियो है। लेकिन अगर आपका जो है प्राइमरी अकाउंट ही आपको डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम ये प्रोसेस जानेंगे। तो आप सभी को पता है ग्रो एप्लीकेशन को इस तरीके से इंटरफेस आपको नजर आता है। हमें क्योंकि बैंक डिटेल बैंक अकाउंट डिलीट करना है तो हम सिंपली यहाँ पर टैप करेंगे अपनी फोटो पर। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका नाम, उसके नीचे आपका बैलेंस, उसके नीचे ऑल ऑर्डर्स, बैंक डिटेल्स दिखाई देता है। हमें क्योंकि बैंक से रिलेटेड काम है हम बैंक डिटेल्स पर ही जाएंगे। अभी हम आपको बताते हैं, अगर आप ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक है जो मेरा प्राइमरी बैंक है, इसको डिलीट करने जाता हूँ मैं, क्या बोलता है, कैन नॉट डिलीट अ डिफॉल्ट बैंक। ये डिफॉल्ट बैंक क्या होता है ये समझते हैं दोस्तों। जब आप यहाँ पर एक अकेला बैंक अकाउंट ऐड करके रखते हैं ना तो वो आपका प्राइमरी अकाउंट होता है, हर एक ट्रांजेक्शन उसी से होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर दो तीन बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो जो आपका फर्स्ट बैंक जो आपने ऐड किया था वही आपका प्राइमरी होता है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं कि प्राइमरी कौन सा होगा। और जब आप प्राइमरी बैंक इसको रखेंगे तो ये बैंक डिलीट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी है, इससे सारे ट्रांजेक्शन जो है लिंक्ड अप है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको इसको सेकेंडरी बनाना होगा, किसी अदर अकाउंट को प्राइमरी करना होगा। ये हमेशा के लिए है, आप यहाँ से टोटली कोई भी बैंक अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है कि आपको ये प्राइमरी ये डिलीट करना है तो आपको इसको प्राइमरी बनाना होगा। उसके लिए क्या जरूरी है, जब इस पर टैप करता हूँ सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आता है, लेकिन जब इस पर टैप करूँगा यहाँ पर तीन बिंदु जो है इन पर टैप करूँगा, देखिए मेक प्राइमरी का बटन आता है। मेक प्राइमरी के बटन को टैप करूँगा तो यहाँ पर आपको एक नोटिस दिया जाता है इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू चेंज योर प्राइमरी बैंक अकाउंट? बिल्कुल। इसके लिए नीचे कुछ चीज़ें, योर एग्जिस्टिंग SIP इंस्टॉलमेंट्स विल कंटिन्यू बींग डेबिटेड फ्रॉम द ओल्डर मैंडेट। अगर आपने दोनों ही बैंक अकाउंट से अलग अलग SIPs ले रखी हैं तो वहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जो पुराना मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग ही पैसा जाएगा। मान के चलिए आपने ICICI प्रोडेंशियल की एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, SIP ले रखी है, उसके लिए पैसा कोटक महिंद्रा बैंक से जाता है तो वो उसी से ही जाएगा, चाहे आप इसको यहाँ से प्राइमरी से हटा दें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से प्राइमरी कर रहे हैं। अब दूसरी क्या चीज़ है, योर न्यू SIP इंस्टॉलमेंट्स विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर न्यू प्राइमरी मैंडेट। अभी क्या बोल रहा है, अगर आप कोई नई SIP खरीदते हैं, कोई नई SIP चालू करते हैं तो जो नया इंस्टॉलमेंट है वो नए वाले प्राइमरी अकाउंट से जाने वाला है, पुराने बैंक अकाउंट से नहीं जाने वाला है, वो आप चूज भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों तरीका। अभी क्या करेंगे, मेक प्राइमरी का बटन दबाएंगे, ये कर दिया हमने, बोलता है उंगली लगाओ, ठीक है उंगली लगा लेते हैं और ये हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी बैंक आ गया, यहाँ से हट चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, ये तीन बिंदु दबाऊंगा, यहाँ पर डिलीट का बटन आपको दिख रहा है, डिलीट का बटन दबा देता हूँ। डिलीट बैंक का ऑप्शन आया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट बैंक? नो के बटन पे ग्रे है, मतलब नो दबाएंगे तो हट ही जाएगा, और यस का बैंक यस है, ग्रीन है, मतलब हाँ हम आप हटाने चाहते हैं, बहुत खुश है ग्रो भी, हम यस कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि बैंक डिलीटेड सक्सेसफुली, ये बैंक अकाउंट जो है यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, अब ये हमें परेशानी नहीं देगा। तो ये है दोस्तों तरीका बैंक अकाउंट डिलीट करने का। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।